हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई कैसे किया जाता है बालों में, किस तरह से सेक्शंस लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लो ड्राई करेंगे, हमारे जो हेयर्स हैं वो 40% वेट होना चाहिए। हमें ड्राई बालों में ब्लो ड्राई नहीं करना। अब अच्छे से कॉम को करेंगे बालों में और सेक्शनिंग करेंगे। पहले ईयर टू ईयर मैं सेक्शन कर रही हूँ। जो प्रोफाइल पार्टिंग होती है वो करनी है हमको ईयर टू ईयर। देन बैक एरिया में मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले एक पार्ट सेपरेट कर दिया मैंने। अब मैं लेफ़्ट साइड से पहला सेक्शन निकाल रही हूँ। अब ड्रायर में हमारे दो तरह के बटन होते हैं। नीचे जो बटन होता है उसमें हीट का होता है, तो वो हमें हीट जो है मीडियम हीट रखनी है। और जो ऊपर का बटन होता है वो फ्लो के लिए होता है कि एयर कैसी आ रही है। तो एयर का जो हमें बटन है वो हाई पर रखना है, और जो हीट का बटन है वो हमें मीडियम पर रखना है ताकि बालों को ज़्यादा हीट ना लगे। अब हम लोग फ्लैट ब्रश से बालों को एक ग्रिप बनाएंगे, और जो ऊपर के बाल हैं जो स्कैल्प के पास हैं उस पर हम लोग क्लीनिंग करेंगे। इसके बाद हम लोग जो लेंथ के बाल हैं उसको 4 से 5 बार हम लोग ड्रायर से और ब्रश से उसको ड्राई करेंगे बालों को। अब देखिए, इस तरह से हम लोग पॉलिशिंग करेंगे बाल की और फिर लेंथ पे वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे बाल में वेव है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बाल जो है स्ट्रेट लुक में आ जाएगा। सबसे पहले हम अपर में करेंगे, फिर मिड में करेंगे 3 से 4 बार, फिर 3 से 4 बार हम लोग लास्ट में करेंगे। अब देखिए, अब दूसरी तरफ लेफ्ट राइट साइड में कैसे वेव आ रहा है, और जो लेफ़्ट साइड है वो एकदम क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद वाला सेक्शन लेंगे, और उसको भी इसी तरीके से हम लोग पहले सबसे पहले स्कैल्प के पास से ड्रायर को हल्के हल्के हाथ से पॉलिश करेंगे हम लोग बाल के ऊपर, ताकि बाल का रूट के पास से वेव चला जाए। ड्रायर को सब तरह से राइट लेफ्ट में अच्छे से हम लोग पॉलिश करेंगे। अब मिड सेक्शन में हम लोग ड्रायर करेंगे। जब मिड सेक्शन में करेंगे तब हमारे ब्रश का जो फेस होगा वो ऊपर की साइड होगा। सेक्शंस जो हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं लेने, ना ही बहुत ज़्यादा पतले लेने हैं। सेक्शन एक मतलब मीडियम होने चाहिए आप लोगों के। और फ्रेंड्स, जो हमारा ड्रायर होता है उसका फेस हम लोग ब्रश के ऊपर रखेंगे। ब्रश के ऊपर ज़्यादा अच्छे से दबाएंगे नहीं, क्योंकि फिर ब्रश के जो ब्रिसल होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं हीट से। तो हम बस उसको स्लाइड करते हुए रखेंगे ब्रश के ऊपर। इस तरह से मैंने दोनों सेक्शन उठा लिए, अब मैं उनको ब्लो ड्राई कर रही हूँ। अब हमने उसके ऊपर वाला सेक्शन लिया और उसके ऊपर हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं। जब फर्स्ट हम सेक्शन लेते हैं तो उसको नीचे से रूट की तरफ से उठाते हुए लेंगे ऊपर के सेक्शन को, ताकि हमारे ऊपर वाले एरिया में बाउंस आए, जो हमारा क्राउन एरिया है उस पर बाउंस आए। चार से पांच बार हम तीन सेक्शन में डिवाइड करके ब्लो ड्राई करेंगे। इस टेक्निक को हम राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले फ्लैट ब्रश से ही आप लोग ट्राई कीजिए। जब आपका ये अच्छा होने लग जाए तब उसके बाद आप लोग राउंड ब्रश से कीजिए। अब देखिए, आप दोनों में डिफरेंस आपको पता लगेगा कि यहाँ के बाल स्ट्रेट हो गए और यहाँ पर राइट साइड में अभी काफ़ी वेव है बालों में। अब हम लोग जो फ्रंट का सेक्शन है बॉक्स एरिया, उसको सेपरेट कर देंगे। बॉक्स एरिया हम कैसे बनाएंगे, मिड ऑफ द आईब्रो से सेक्शन लेंगे दोनों साइड से, और बीच में उसको बालों को हम लोग बांध देंगे।
अब फ्रंट के साइड वाले पार्ट पे हम लोग उसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से ब्रशिंग करेंगे। ब्लो ड्राई करने से बालों में अच्छी सी शाइन क्रिएट हो जाती है और बाल बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। अगर हम कभी कहीं घूमने जा रहे हों या किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हो तो हम लोग ब्लो ड्राई करा सकते हैं बालों में। और आफ्टर हेयर कट अगर हम ब्लो ड्राई करते हैं क्लाइंट का तो उससे भी हम लोग अपने कट का लुक दे सकते हैं। क्लाइंट को पता लगेगा कि आपने कैसा कट किया है, इसलिए ब्लो ड्राई करना ज़रूरी होता है। अभी इसी तरह हम लोग राइट साइड में आ गए। अब यहाँ के बालों को भी हम लोग ब्लो ड्राई करेंगे। अगर आपको ड्रायर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछना हो कि हम कौन सा ड्रायर यूज़ करते हैं या बेस्ट ड्रायर कौन सा है तो मैं आपको बता दूँगी। इस तरह से हमारे दोनों साइड के सेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हुए हैं, लेफ़्ट और राइट का। अब हमें क्या करना है कि जो ऊपर का हमने बॉक्स एरिया छोड़ा है उस एरिया पे हम लोग वर्क करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे हमें करना है। जो ऊपर का एरिया है इसको मैंने राउंड ब्रश से कर रही हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा बाउंस आए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ब्रश को पहले ऊपर की साइड से रख कर बालों में क्लीनिंग करनी है, फिर राउंड ब्रश को घुमाते हुए ऊपर की साइड लेकर जाना है। राउंड ब्रश का यूज़ करते समय आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें क्योंकि राउंड ब्रश कभी कभी बालों में अटक जाता है। इसलिए जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप लोग राउंड ब्रश का यूज़ कीजिएगा। अब फ्रंट के सेक्शन को मैं आगे खड़े होकर कर रही हूँ। पहले मैंने स्कैल्प के पास से पॉलिशिंग करी, उसके बाद मैं बालों को राउंड घुमाते हुए ब्लो ड्राई कर रही हूँ। अब मेरे को आगे की साइड से आउटर वाला कर्ल देना है फ्रंट पे कि आउट वेव आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इन जो ब्रश है उसको इन की साइड रख के बालों को राउंड करूँगी और उन पर ब्लो ड्राई करूँगी। इससे क्या होगा, हमारे जो फ्रंट का साइड्स पार्टिंग है वो हमारी वेव करती हुई बहुत सुंदर आएगी। तो इस तरीके से ये हम लोग ब्रशिंग करके साइड पार्ट में हम लोग इसको कर देंगे। देखिए कैसे आपका कट दिखेगा फिर सुंदर। इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।